सो हेलो दोस्तों, मैं हूँ अविनाश मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने ही गार्डनिंग यूट्यूब चैनल वाओ गार्डनिंग। सो बेसिकली दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ गुड़हल के यानी कि हिबिस्कस की विंटर केयर के बारे में, इसकी प्लांट्स केयर कैसे करनी है आपको। तो मैं आज आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। दोस्तों, ये स्पेशली वीडियोस आप लोग की डिमांड्स के ऊपर ही बन रही है। आप लोग को बहुत सारी डिमांड्स आ रही थी मेरे वीडियोस के इसके ऊपर बनाने के लिए कि मैं इसके ऊपर आपको एक प्रॉपर वीडियो, सेपरेट वीडियोस बनाऊं, आपको केयर बताऊं, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे उनको लग रहा है कि मेरे प्लांट्स में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही है, उनकी लीव्स क्यों गिर रही हैं, फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो आज दोस्तों मैं इस वीडियोज़ पर आपको पूरी फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में समझ में आ जाएगा। आज मैं आप लोगों को दोस्तों कुछ टिप्स बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप अपने प्लांट्स की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए कि जो सीजन है विंटर का है, और इस टाइम में हिबिस्कस प्लांट्स की जो अपनी ग्रोथ है वो रोक देता है, वो अपनी जो ग्रोथ है उसे धीमी कर देता है और अपनी जो एनर्जी वो सेव करने पे लगा देता है। उससे आपको कैसे पता चलेगा उसका इंडिकेशन, वैसे कि वो जो अपने प्लांट्स पे सारी लीव्स रहती हैं उसे डिपोलिएट कर देते हैं यानी कि गिरा देता है धीमे धीमे करके। और प्लांट से एक ऐसा क्यों करता है दोस्तों, सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि प्लांट ऐसा करता क्यों है। तो देखिए दोस्तों, विंटर्स आने के टाइम में जब विंटर्स आता है तो ये जो हिबिस्कस का होता है ना, हिबिस्कस प्लांट के लिए स्पेशली डोरमेंट का पीरियड होता है यानी कि इसका रेस्ट पीरियड होता है जिसे अपन डोरमेंसी बोलते हैं। तो ये उस टाइम में रेस्ट पे रहते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं कि अपने लीव्स गिरा देते हैं। इस टाइम इनमें ना ही अच्छी ग्रोथ होती है और ना ही ये फ्लावरिंग करते हैं। आपने देखा होगा कई बार आपके जो है प्लांट्स के बड्स भी गिर जाते हैं, और उसमें जो बर्ड्स आ भी रहे हैं तो फ्लावरिंग काफ़ी छोटी साइज़ में उसकी फ्लावरिंग होने लगती है। तो ये सारे जो अपन लोग को रीजंस है ये सब देखने मिलते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, खास करके विंटर टाइम में। तो दोस्तों, फिर इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे अपनी प्लांट्स की इस विंटर सीजन पे केयर करनी है, खास करके हिबिस्कस प्लांट की, जिसकी मैं आपको केयर वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे भी आपके प्लांट्स ऐसी हेल्दी तरीके से ग्रोथ करते रहें जैसे आप मेरी वीडियोस पर देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, टिप नंबर वन मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अपने हिबिस्कस प्लांट को फॉग से बहुत बचा के रखना है। जैसे काफ़ी लोगों का ठंडा इलाका होता है जिनमें माइनस में, आजकल विंटर के टाइम में माइनस पे टेम्परेचर चल रहा है, तो अगर आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिर रहा है, आपका पारा जो है काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि अपने प्लांट्स जो आपने ऐसे रखे हुए हैं खुले एटमोसफेयर पर, उसको आपको थोड़ा सा फॉग से बचाना है। तो आप फॉग से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसे आप ऐसे ऐसी जगह पर रख वहाँ पर थोड़ा सा आपको वहाँ पर कवर एरिया मिल जाए जिससे कि उसे ठंड का असर कम हो। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप बड़े साइज़ में आपने पॉट पे लगा दिया है और आप अपने प्लांट्स को कहीं इधर उधर टर्न नहीं कर सकते, ले जाने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या कीजिए कि उसे रात के टाइम में तो किसी क्लॉथ से उसे कवर कर दिया करिए। तो उससे होगा क्या कि आपके जो प्लांट्स में जो ठंड का असर वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों, ये टिप नंबर वन थी, मैं आपको टिप नंबर टू बता देता हूँ। तो दोस्तों, टिप नंबर टू ये है कि आप अपने प्लांट्स में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र ना दें, क्योंकि दोस्तों जो फर्टिलाइज़र देंगे तो आप, क्योंकि अभी ये रेस्ट पीरियड पे है अपने हिबिस्कस, तो अगर आप इसे अभी फर्टिलाइज़र देंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका जो प्लांट्स में आप फर्टिलाइज़र तो दे रहे हो पर वो प्लांट्स जो है आपका फर्टिलाइज़र एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो नए गार्डनर्स होते हैं वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि भाई कई बार उनकी प्लांट्स में फ्लावरिंग नहीं आ रही है, अच्छी ग्रोथ नहीं आ रही है, तो उनके डॉर्मेंट पीरियड पे भी उसे ऐसी फर्टिलाइज़र ओवर देते रहते हैं, तो प्लांट्स के लिए काफ़ी हार्मफुल रहता है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, जब इसका डॉर्मेंट पीरियड है तो आपको बिल्कुल इस पार्ट को ही स्किप कर देना है कि आपको इस प्लांट में फर्टिलाइज़र करना है, क्योंकि जब इसका ग्रोथ पीरियड आता है मार्च के बाद, तब आप इसे ऐसे करते रहेंगे तो काफ़ी अच्छे इसमें आपको ग्रोथ भी देखने को मिलेगी और फ्लावरिंग से आपका पेड़ भर जाएगा। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ अपने प्लांट्स की टिप नंबर थ्री। तो देखिए दोस्तों, आपको करना क्या है कि अगर आपका कोई ऐसे एरिया पे रखा हुआ है जहाँ पे काफ़ी कम एरिएशन होता है, यानी कि वहाँ पे जो हवा का बहाव है वो काफ़ी कम होता है, तो आपको वहाँ से बिल्कुल अपने प्लांट्स को फ़ौरन हटा लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्या होता है कि जैसे अभी डॉर्मेंट पीरियड में है तो ये अपने से अपने आप को प्लांट्स प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये फुली तरह से रेस्ट पर रहता है, तो इसमें फंगल इन्फेक्शन लगने का काफ़ी सारा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अगर आपने कहीं भी ऐसी जगह पे रखा है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शेडेड है, एरिएशन नहीं आती है, तो आपको वहाँ से तुरंत इसे शिफ्ट कर देना चाहिए जहाँ पे इसे अच्छी एरिएशन भी मिल पाए। बात कर लेते हैं टिप नंबर फोर की। तो देखिए, आपको सबसे ज़्यादा इसी बात का ख्याल रखना है अपने
खास करके विंटर केयर में कि अपने प्लांट्स को आप अच्छे से ज़्यादा सनलाइट प्रोवाइड कराइए, क्योंकि ये जो हिबिस्कस के प्लांट होते हैं इनको सनलाइट बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है दोस्तों। तो आप इन्हें जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो इनके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि ये रात भर तो आप जानते हैं कि ठंड के टाइम में बाहर का एटमोसफेयर कैसा ठंडा हो जाता है, तो इन्हें जब सुबह के टाइम में अगर अच्छी आप इसे सनलाइट प्रोवाइड कराएंगे तो ये काफ़ी अच्छी तरीके से अगर आपकी फ्लॉरिंग कर रहा है तो उस टाइम भी फ्लॉरिंग में अच्छी तरीके से रहेगा और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी। वैसे बेसिकली ऐसा नहीं होता है दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप इस समय परेशान रहते हैं कि आपके प्लांट्स में कैसी ग्रोथ नहीं हो रही है, लीव्स गिरा रहे हैं, तो ऐसा दोस्तों कई बार हम लोग के साथ भी हो जाता है जो हमारे गार्डनर्स होते हैं, जो प्रोफेशनल गार्डनर्स होते हैं या फिर जो गार्डनिंग करते रहते हैं हमेशा, जो जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो देखिए दोस्तों उनके साथ भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरे भी ऐसे है ना, अब जो प्लांट्स में जो इसकी स्प्रिंग्स टाइम का सीज़न चल रहा है दोस्तों आप जानते हैं, तो अभी जो इसकी येलो लीव्स रहते हैं ये भी गिरना चालू हो गए हैं, क्योंकि इसका एक और रीज़न है कि प्लांट्स अपनी एनर्जी सेव करने के लिए जो इसकी लीव्स है वो गिराता रहता है। तो आप देखिए दोस्तों येलो बड़ी इसकी लीव्स होती हैं, आप इसे निकालते रहें टाइम टू टाइम। और दूसरी बात देखिए, मैं आपको जैसे बर्ड्स गिरने की बात बताया था, तो दोस्तों मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कई कभी कभार कि मेरे भी जो प्लांट्स की बर्ड्स हैं वो गिरने लगती हैं, क्योंकि ये नेचुरली है दोस्तों, ये ऐसा होता है ठंड के टाइम पर उतनी अच्छी प्लांट्स अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता है जितनी उसे करनी चाहिए। तो ये नेचुरल, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको प्रॉपर वीडियोज़ बना रहा हूँ कि आपको समझ में आ पाए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं अपने टिप नंबर 5 की। तो देखिए दोस्तों, आपको जो अपने प्लांट्स में हैं वो पानी तो देना है, पर उसे बहुत लिमिटेड पानी देना है। लिमिटेड कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आपको ऐसा समझ में आ रहा है कि आपके जो ऊपर की टॉप सरफेस है थोड़ा सा ड्राई फील हो रही है, तो आप उस टाइम अपने प्लांट्स को वाटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ओवर वाटरिंग भी एक रीज़न हो जाता है प्लांट्स की ग्रोथ ना करने का, उसकी बर्ड्स गिरने का और फ्लावर ना आने का या साइज़ छोटे होने का। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिए कि अपने प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग ना करें, उसे आप लिमिटेड पानी दें, क्योंकि विंटर पे इतना ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं होती है अपने प्लांट्स को। तो आप बिल्कुल चेक करके अपने प्लांट्स में, क्योंकि आप जब गार्डनिंग करते हो दोस्तों तो आपको धीमे धीमे एक्सपीरियंस हो जाता है टाइम टू टाइम, तो अगर आप जितने भी ज़्यादा अपने टाइम इसके साथ एक्सपेंड करोगे गार्डनिंग में, तो आपको इतना एक्सपीरियंस होने लगेगा। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अपने प्लांट्स में ओवर वाटरिंग किसी भी हाल पर ना हो। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रूनिंग की अपने प्लांट्स में। तो देखिए दोस्तों, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, मेरा टिप नंबर 6 है दोस्तों। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने प्लांट्स में आपको किसी भी तरह की अभी प्रूनिंग नहीं करनी है, चाहे वो सॉफ्ट प्रूनिंग हो या फिर हार्ड प्रूनिंग हो। तो अगर आप ऐसा कर देते हो, क्योंकि अभी ये डोरमेंट का पीरियड है, मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आप अभी प्रूनिंग कर देते हो अपने प्लांट्स में तो फिर ये शॉक में चले जाते हैं, और कई बार चांसेस ज़्यादा ये होते हैं प्लांट्स में कि आपके प्लांट्स डेड भी हो सकते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपको किसी भी तरह की इस टाइम में प्रूनिंग नहीं करनी है। तो दोस्तों आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब इसका टाइम आएगा, जब इसकी अच्छी तरीके से ग्रोथ होगी और फ्लावरिंग होगी, तभी आपको उसके कुछ महीनों पहले आप अगर इसे प्रून कर देंगे। ज़्यादातर लोग बरसात में प्रून करना पसंद करते हैं, क्योंकि प्लांट्स की जब प्रूनिंग करते हैं आप लोग बरसात के टाइम में, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है। पर आप मार्च के पहले जब इसका ग्रोइंग पीरियड रहता है, तब आप अगर थोड़ा सा इसे प्रून कर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रून मत कीजिएगा, सॉफ्ट प्रून करेंगे, तो काफ़ी अच्छी आपको अपने प्लांट्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी। दोस्तों अब रही बात मेरे जो प्लांट्स हैं उसमें इतने सारे फ्लावर कैसे आ रहे हैं, तो दोस्तों ये मेरे द्वारा जब की गई जो इसके फ्लावरिंग पीरियड था, जो इसका टाइमिंग था अच्छी तरीके से ग्रोथ करने का, तो मेरे द्वारा इसमें किए गए केयर का ही रिजल्ट दोस्तों आप ही देख पा रहे हैं। अगर आप भी ऐसे केयर करेंगे अपने प्लांट्स की, तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लांट्स में ऐसे फ्लावर्स देख पाएंगे, क्योंकि जब इसका टाइम होता है तब आप इसे अच्छी तरीके से फर्टिलाइज कीजिए और इसकी जो है बेसिक केयर कीजिए, तो आपको ऐसे भी प्लांट्स में अपने इसके ऑफ टाइम में भी, आप जैसे अब मैंने बताया डोरमेंट का पीरियड, तो उस टाइम में भी आपको इसमें अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देखने को मिल जाएगी। अगर आप लोग को और ज़्यादा इसकी केयर जानना है, तो दोस्तों मैंने उसके लिए आपके लिए सेपरेट वीडियोस बना दी है अपने मेरे चैनल पर, अगर आप जाके विजिट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि मैंने ऊपर एक हिबिस्कस की एक फुली केयर वीडियोस बना दी है, तो आप जाके वहाँ से उसे भी देख सकते हैं और अपने प्लांट्स की केयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही वीडियोस थी आप लोगों के साथ हिबिस्कस प्लांट्स की विंटर केयर की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा, वीडियोस को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड गुड बाय।